ठीक है, देखो अगला नेक्स्ट सिक्स्थ रूल, साइन एंड कॉस हाफ एंगल रूल, यानी कि साइन ए बाय टू एंड कॉस ए बाय टू, सिमिलरली बाकी बी बाय टू हो जाए, सी बाय टू हो जाए, है ना, साइन का कॉस का इनका रूल क्या है। ठीक है, अब देखो जरा, याद है एस सेमी पेरीमीटर हिरन फॉर्मुला में आता था, अभी थोड़ी देर में वो भी आ जाएगा, उसका प्रूफ अभी तक तुमने देखा नहीं होगा, हिरन फॉर्मुला का प्रूफ अभी तक आया नहीं है, अभी आएगा। ये जो अभी बताया मैंने साइन का हाफ एंगल कॉस का हाफ एंगल, इन्हीं से डिराइव होता है, तो ध्यान से देखना जरा। आ गए सेमी पेरीमीटर, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, ए प्लस बी प्लस सी इज टू एस, आया ना। अच्छा अब देखो 2s माइनस 2a क्या आ जाएगा, इधर माइनस 2a करो, इधर माइनस 2a, इधर माइनस 2a करके ये आ गया, इधर माइनस 2a करके क्या आ जाएगा, b प्लस सी, a माइनस 2a तो माइनस है, तो b प्लस सी माइनस a। कहने का मतलब ये है कि ये आ गया ट्वाइस ऑफ बेसिकली s माइनस a, b प्लस सी माइनस a, ये आ गया। कहने का मतलब ये है कि a प्लस b प्लस c में से जो वाला जो पार्ट नेगेटिव होगा ट्वाइस ऑफ s माइनस दैट आ जाएगा। अब अगर मेरे को a प्लस सी माइनस बी करना है तो वो ट्वाइस ऑफ s माइनस बी आ जाएगा, एंड a प्लस बी माइनस सी करना है तो ट्वाइस ऑफ s माइनस सी आ जाएगा। ये टर्म्स को याद रखना है, रिकॉग्नाइज करना है एज इट इज। अब देखो मैंने कॉस का एंगल पकड़ा, कॉस a, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू बी सी। अब कॉस के तो दो हाफ एंगल होते हैं, एक साइन का हाफ एंगल, एक कॉस का हाफ एंगल, दोनों में से जो हाफ एंगल लगेगा उसका हाफ एंगल का फॉर्मूला आ जाएगा, बात खत्म, राइट। तो देखो पहले मैं कॉस का हाफ एंगल निकाल दूं, तो कॉस के हाफ एंगल के लिए इसको क्या करेंगे, टू कॉस स्क्वायर ए बाय टू माइनस वन, दैट इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू बी सी, ये वन उधर गया, तो दैट इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू बी सी माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू बी सी, दैट इज बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू बी सी, तो दैट इज बी प्लस सी माइनस ए इंटू बी प्लस सी प्लस ए डिवाइडेड बाय टू बी सी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, हाँ है ना, दैट इज टू था तो टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे आया, इधर आ गया फोर, एंड ये आ गया कॉस स्क्वायर ए बाय टू, हाँ है ना, राइट, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। अब b प्लस सी माइनस ए क्या जाएगा, ट्वाइस ऑफ s माइनस ए, याद आया पक्का, a प्लस बी प्लस सी क्या जाएगा, टू एस डिवाइडेड बाय फोर बी सी, दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a बाय टू, तो ये भैया स्क्वायर रूट हटा दो तो ये आ गया, ये फोर टू टू के साथ कटा, तो s इंटू एस माइनस ए बाय बी सी इज कॉस ए बाय टू, इसका स्क्वायर रूट। ऊपर पैटर्न चेक करो, जिस एंगल का कॉस का हाफ एंगल है s इंटू एस माइनस दैट साइड डिवाइडेड बाय बाकी दोनों का प्रोडक्ट, तो क्या आ जाएगा फिर सिमिलरली कॉस बी बाय टू, सॉरी कॉस बी बाय टू क्या आ जाएगा, s इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाय ए सी का स्क्वायर रूट, एंड कॉस सी बाय टू क्या आ जाएगा, एस इंटू एस माइनस सी बाय ए बी का स्क्वायर रूट, तो ये तीनों आ गए। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। नोट करो, शाबाश, नोट करो। अब यहीं पे अगर मैंने साइन का हाफ एंगल का रूल लगा दिया, राइट, तो क्या आ जाएगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए बाय टू, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू बी सी, इसको पूरा का पूरा इधर ले आओ, तो वन माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू बी सी, दैट इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर ए बाय टू, एलसीएम लेके टू बी सी इधर, ये टू नीचे आया तो नीचे आ गया फोर बी सी, एंड ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया तो प्लस ए स्क्वायर,
अब इन सारी चीजों में से माइनस साइन कॉमन ले लो और ये बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाय टू। अब सिंप्लीफिकेशन करने और कुछ नहीं, ये बन गया बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो दिस माइनस दिस करो पहले तो आ जाएगा ए माइनस बी प्लस सी, तो ए प्लस सी एंड अगर दोनों को ऐड किया तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाय फोर बी सी का स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू साइन ए बाय टू। अब याद करो ये क्या है, माइनस बी आ रहा है तो ट्वाइस ऑफ एस माइनस बी, ये ट्वाइस ऑफ एस माइनस सी डिवाइडेड बाय फोर बी सी स्क्वायर रूट, ये टू टू का फोर कटा दैट इज साइन ए बाय टू। तो क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ ए को छोड़ के बाकी जो दो साइड था बी सी उनका एस माइनस बी एंड एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी, ए है ही नहीं इसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मुला में, ए एस के अंदर तो है ऑब्वियसली, एस इज ए प्लस बी प्लस सी बाय टू, ए तो है डायरेक्टली नहीं दिखाई दे रहा, तो एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाय बी सी, तो ये आ गया मेरा साइन ए बाय टू। सिमिलरली साइन बी बाय टू, ठीक है स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए सी एंड साइन सी बाय टू दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी बाय ए बी। क्लियर हुआ राइट? अच्छा अब मेरा साइन का भी रूल आ गया, कॉस का भी रूल आ गया, हाफ एंगल का दोनों को डिवाइड कर दो तो वहीं से टेन ए बाय टू आ जाएगा। अब ध्यान से एक चीज चेक करो, साइन ए बाय टू निकालना ना, साइन ए बाय टू बाय कॉस ए बाय टू करना, तो दोनों के डिनोमिनेटर में साइन ए बाय टू के डिनोमिनेटर में क्या जा रहा है रूट बी सी, उधर भी रूट बी सी है तो दोनों को डिवाइड करोगे वो तो कटेगा, तो क्या बचेगा न्यूमरेटर में साइन वाली चीज, तो साइन ए बाय टू का क्या जाएगा एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और कॉस का जो न्यूमरेटर था वो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा दैट इज एस इंटू एस माइनस ए, ये मेरा टेन का रूल चला गया। ठीक है सिमिलरली टेन बी बाय टू स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी बाय एस इंटू एस माइनस बी एंड टेन सी बाय टू वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस सी। तो साइन का रूल आ गया, साइन के हाफ एंगल का, कॉस के हाफ एंगल का, टेन के हाफ एंगल का, बात समझे? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। गुड, ये नोट करो। yes, sir. डेल्टा क्या होता है, हाफ ए बी साइन सी, यही आया था एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो साइन का हाफ एंगल रूल लगा दिया, हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू टू साइन सी बाय टू कॉस, क्योंकि साइन सी का मेरे को डायरेक्ट एबीसी की टर्म्स में कोई फॉर्मूला नहीं है लेकिन सी बाय टू एंड कॉस सी बाय टू का है, साइन सी बाय टू कॉस सी बाय टू का है, हाफ एंगल का है, तो हाफ एंगल में कन्वर्ट करके हमने क्या किया ए बी इंटू साइन सी बाय टू स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी बाय ए बी स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस सी बाय ए बी, रूट ए बी इंटू रूट ए बी, ये ए बी एंड ये ए बी कटा तो क्या बचा स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी दैट इज योर एरिया ऑफ ट्रायंगल। हियर ऑन फॉर्मूला डन, नोट करो। अगर ये ट्रायंगल है ठीक, अंदर सर्कल बनाया मैंने, तो सर्कल को क्या बोलते हैं, इन सर्कल, इसके रेडियस को इन रेडियस, इसके सेंटर को इन सेंटर, तीनों चीजें सर्कम सेंटर वाली इन वाली आ गई, अंदर वाले सर्कल वाली आ गई। ठीक है अब
तो ये साइड तो भैया टेंजेंट एक्ट करेगी सर्कल की, ये भी टेंजेंट। तो अब सेंटर से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एंड परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, राइट। अब यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सॉरी परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइन की, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो ये दोनों एंगल बराबर, तो यानी कि ये जो लाइन है ये क्या है, इस एंगल का बाइसेक्टर। ऐसे ही इधर से जो लाइन आएगी वो इधर इस एंगल का बाइसेक्टर, इधर से जो लाइन आएगी वो इस एंगल का बाइसेक्टर, यानी कि तीनों एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर से जो पॉइंट मिलता है वो क्या होता है, इन सेंटर। आई होप क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, इन सेंटर क्या होता है, राइट। यस सर। अच्छा अब देखो, ये जो पॉइंट है ए बी सी, बी पॉइंट से जो दोनों टेंजेंट की लेंथ होगी ये दोनों बराबर होंगी ऑब्वियसली, राइट। ऐसे इधर से ये दोनों लेंथ बराबर, इधर से ये दोनों लेंथ बराबर, हाँ है ना। लेट्स से दिस इज डी, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ किया डी ई एंड एफ। अब ध्यान से देखना मेरी चीज, ठीक है, बी डी प्लस बी एफ BD प्लस BF प्लस DC प्लस EC, DC प्लस CE ले लो, EC ले लो, प्लस AE प्लस AF, दैट इज पेरीमीटर, एंड वो सेमी पेरीमीटर का ट्वाइस होता है, तो उसको मैं लिख सकता हूं 2S, हाँ है ना, श्योर। अच्छा अब देखो यार, AE एंड AF तो बराबर है, तो मैंने इसको लिख दिया ट्वाइस ऑफ ए, ठीक है। अब डीसी एंड सीई भी बराबर है, तो इसको लिखा ट्वाइस ऑफ सी, हाँ है ना, श्योर। अच्छा अब ध्यान से देखो, इन दोनों को ऐड करो, तो ट्वाइस ऑफ सीई प्लस ए, तो सीई प्लस ए क्या चला गया, एसी, और एसी क्या बी के ऑपोजिट, तो 2B, हाँ है ना, प्लस ये दोनों बी डी एंड बी एफ, और बी डी और बी एफ भी बराबर है, तो इसको लिखा ट्वाइस ऑफ लेट्स से बी डी, दैट इज इक्वल टू 2S। ये 2 2 2 कटा, तो बी डी की वैल्यू क्या आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि बी वर्टेक्स से जो टेंजेंट की लेंथ निकलेगी ये होगी एस माइनस बी, एस माइनस बी। सी से जो टेंजेंट, सिमिलरली सी से जो टेंजेंट की लेंथ निकलेगी वो क्या होगी, एस माइनस सी, एस माइनस सी। एंड ए से जो लेंथ निकलेगी टेंजेंट की वो एस माइनस ए, एस माइनस, यहां तक कोई डाउट, ऑनलाइन क्लियर है। अब यस सर। इस ट्रायंगल के अंदर आओ, ध्यान से ये एंगल क्या हो गया, बी बाय टू, हाँ यार, हाफ एंगल कॉन्ग्रुएंट थे, बी का हाफ हो गया। अब इस ट्रायंगल के अंदर, अब ये जो लेंथ है ये तो इस रेडियस का सर्कल, सॉरी सर्कल का रेडियस है, याद रखना अंदर वाले सर्कल के रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, बाहर वाले को कैपिटल, इसलिए वहां पे जो साइन ए बाय इक्वल टू किया था वो 1/2 कैपिटल आर था। सर्कल रेडियस, बाहर वाले सर्कल का रेडियस हमेशा कैपिटल आर, अंदर वाले का स्मॉल आर। नाउ यहां पे टैन रूल लगाओ, तो टैन बी बाय टू क्या होगा, दैट इज नथिंग बट आर बाय एस माइनस बी, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, एस माइनस बी इंटू टैन बी बाय टू। सिमिलरली ये बी की फॉर्म में आया, सिमिलरली मैं इस इधर से ट्राइंगल बनाया, इस ट्राइंगल से भी निकाल सकता हूं, इधर से ट्राइंगल बनाया, इस ट्राइंगल से भी निकाल सकता हूं, तो वो क्या आ जाएगा, एस माइनस ए इंटू टेन ए बाय टू, या फिर एस माइनस सी इंटू टेन। तो ये हमारे पास इन रेडियस का आ गया रिलेशन। अच्छा मैं टेन बी बाय टू की वैल्यू भी पुट कर सकता हूं, तो क्या आ जाएगा, एस माइनस बी एज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस बी। ध्यान से देखना जरा, ये इसके साथ कटेगा तो ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और नीचे एस, एंड ये टोटल का स्क्वायर रूट। अब ऊपर एस की कमी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बन जाएगा, हीरोन फॉर्मूला बन जाएगा, तो मैंने ब्रैकेट के अंदर ही एस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ऊपर क्या बन गया डेल्टा, और नीचे क्या आ गया एस, तो ये मेरा स्मॉल आर बन गया। तो स्मॉल आर मेरा क्या बन गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय पेरीमीटर। सोचो
अभी तक ये पता ही नहीं था, एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय उसका पेरीमीटर करोगे तो सेमी पेरीमीटर करोगे तो क्या आ जाएगा, उसके अंदर आने वाले सर्कल का रेडियस आ जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन मैनिपुलेशन पॉसिबल। आई होप क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ राइट? इसका मतलब यह है कि अगर तुम्हें तीनों साइड पता है एबीसी तो यस तुम ये निकाल सकते हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हीरन फॉर्मूला से आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाय टू, तो यस इन रेडियस निकाल सकते हो, नोट कर लो।